हिंदू धर्म में एकादशी के दिन को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। हिंदू नववर्ष के अनुसार पहली एकादशी कामदा एकादशी होती है। वैसे तो हर माह में दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। पूरे साल में 24 एकादशी होती है। बता दें कि कामदा एकादशी जो कि 12 अप्रैल को है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि एकादशी को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के दिन लोग दिन भर उपवास भी रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कामदा एकादशी के दिन आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरे को बिल्कुल ना खाएं। कोशिश करें कि उस दिन आप शाकाहारी और हल्का भोजन करें। उस दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल खाने से पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चावल को हवसीय अन्न कहा गया है, यानी ये देवताओं का भोजन है। एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, इसलिए इस दिन पान खाना भी वर्जित है। इस दिन आप मांस मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसी चीजों से भी दूर रहें। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।